मेरा एक सपना है कि इस देश की पॉलिटिक्स में एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा बने, इस देश की सोच में एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा बने। मैं एक ऐसे दिन का सपना देख रहा हूं कि हमने बड़े बड़े तरह के इलेक्शन देखे हैं। हम आ गए तो गरीबी हटा देंगे, हम हटा गए तो हिंदुओं को राज दे देंगे, हम आ गए तो मुसलमानों को राज दे देंगे, हम आ गए तो सिख इनका ये कर देंगे, उनका ये कर देंगे। हमने अलग अलग तरीके के अलग अलग रीजनल विजावी नेशनल इलेक्शन में अलग अलग मुद्दे देखे हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश में इस बात पर डिबेट हो और पॉलिटिकल पार्टीज आके खड़ी हों और कहें कि अगर हम आ गए तो हम एजुकेशन को यहां लाके खड़ा करेंगे। आज बंदूकें सिर्फ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं तनी हुई है, AK-47 घर घर में तनी हुई है, क्योंकि हमने वहां मेहनत नहीं की। और फिर हम कहते हैं इंसान ऐसा होता चला जा रहा है। पूरे के पूरे स्कूल सिस्टम को एक नए सिरे से देखने की जरूरत है। जहां हम बहुत अच्छा डिलीवर कर पा रहे हैं वहां हम अच्छी टीचिंग कर पा रहे हैं, अच्छा लर्निंग अभी नहीं है। लर्निंग नहीं है उसका प्रमाण है कि किसी भी पढ़े लिखे आदमी के बारे में आप गारंटी नहीं ले पाएंगे कि आदमी जब सड़क पर गाड़ी चलाएगा तो ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन नहीं करेगा। ये सोसाइटी वो कंटेंट मांग रही है आज कि साहब हमने 2.5 साल का अपना बच्चा आपको दिया, आपको उसको फिजिक्स पढ़ाना है फिजिक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाना है केमिस्ट्री पढ़ाइए, लेकिन जब वापस दें तो एक अच्छा स्किल्ड आदमी भी हो लेकिन एक आदमी भी अच्छा हो। उसमें अभी हम फेल हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? गीता रटा रहे हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा, गीता पढ़ा नहीं रहे, रटा रहे हैं। हम वैल्यू एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, वैल्यू ऑफ एजुकेशन नहीं पढ़ा रहे हैं। हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं पढ़ाने के नाम। सिंड्रेला की कहानी हम सब लोग पढ़ाते हैं, या सिंड्रेला जैसी कोई और कहानी हम सब लोग पढ़ाते हैं। एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी, उसका अफेयर था राजकुमार से, फिर वो सुंदर नहीं रही किसी कारणवश, उसको कोई श्राप मिल गया, जो भी घटना घटी, दुर्घटना घटी, फिर उसके खराब दिन शुरू हो गए, फिर कुछ अच्छी घटना घटी, वापस उसको सुंदरता मिल गई और वापस उसको राजकुमार मिल गया। यहां कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन उस कहानी का अंतर क्या पड़ा, उस कहानी का इंपैक्ट क्या पड़ा बच्चे पे? उस कहानी का बच्चे पे इंपैक्ट पड़ता है कि इस दुनिया में जीने के लिए सबसे पहली जरूरत है सुंदर दिखना। और सुंदर दिखने के लिए भले ही फेयर एंड लवली लगानी पड़े या किसी के ऊपर तेजाब फेंकना पड़े। हम एक हिंदी में विलोम शब्द पढ़ाते हैं। हम विलोम शब्द पढ़ाने में क्या बोलते हैं? स्त्री का उल्टा पुरुष का विलोम, आकाश का विलोम धरती, धरती का उल्टा आकाश, दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन। मैं इस फोरम से सारे एजुकेटर्स बैठे हुए हैं पूछना चाहता हूं कि ये तीनों उदाहरण जो मैंने लिए, धरती का उल्टा आकाश, दिन का उल्टा रात, स्त्री का उल्टा पुरुष, ये एक दूसरे के उल्टे हैं या प्रकृति में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं? एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, पूरकता में। हम अच्छे, अच्छा हमने किया है, काफी कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में कुछ नहीं हुआ। मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरी एजुकेटर मैं कहना चाहता हूं कि एजुकेशन की आज तक की बहुत अचीवमेंट है। आज मैं अगर आपके सामने खड़ा होकर इस मंच से बोल पा रहा हूं और आप में से कोई इस बात को लेकर क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि ये जो आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें यहां कर रहा है इसका धर्म और जाति क्या है, वो एजुकेशन की अचीवमेंट है आज हमारे। आज आपके सामने कोई आदमी इंटरनेट यूज करता है और आपके मन में कभी भी ये सवाल नहीं उठता, मतलब आपके माने समाज के मन में, समाज में किसी के मन में ये सवाल नहीं उठता है कि इंटरनेट यूज करने वाले की जाति क्या है, जरा पूछ के तो देख लें इस जाति के लोगों की हिम्मत कैसे हुई इंटरनेट यूज करने की। आज ये क्वेश्चन नहीं बचा है समाज में, वो एजुकेशन की वजह से है। क्लासरूम को एक आंदोलन में बदलने की जरूरत है साथियों। आपके पास 40 बच्चे, 50 बच्चे, 30 बच्चे आपके क्लासरूम में बैठे हुए हैं और वो आंदोलन की सबसे बढ़िया, सबसे फर्टाइल ग्राउंड है। किस चीज के खिलाफ आंदोलन? वो जो समाज में चल रहा है उसके खिलाफ आंदोलन। समाज में धर्म के झगड़े चल रहे हैं, हमको क्लासरूम में बैठ के सेटल करना पड़ेगा कि ये बच्चा जब जाए तो उन धार्मिक झगड़ों में शामिल ना हो पाए। इवन को इन्फ्लुएंस भी करने की कोशिश करे तो उसको क्लैरिटी है। 5000 साल पहले जिसने कुछ कह दिया उसी को माने बैठे। नया करने की क्षमता पैदा नहीं हो रही है हमारे बच्चों में। आप देखिए कितने बच्चे हैं जो नया पैदा कर सकते हैं, नया सोच सकते हैं, रिस्क ले, क्योंकि नया करने के लिए रिस्क चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता चाहिए, और रिस्क लेने की क्षमता हम लोग नहीं पैदा कर पा रहे हैं इस बच्चों में। और उसका नतीजा क्या हो रहा है? एक नेशन जो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, एक सोसाइटी जो अपने आप में अपने थॉट्स पे कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने थॉट्स के प्रति क्रिटिकल, अपनी कन्वेंशंस के प्रति क्रिटिकल नहीं है, कुछ नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने कहा था शून्य है, शून्य की खोज की उसने किया, और हमने 1500 साल क्या किया? हमने 1500 साल गाना गाया। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, हमने गाना गाया।
और उसी शून्य का 1500 साल पहले जिस हिंदुस्तान ने शून्य का आविष्कार किया, उसी शून्य का इस्तेमाल अमेरिका और यूरोप के साइंटिस्ट ने करके पूरा साइबर वर्ल्ड उस शून्य में खड़ा कर दिया। हम गाना गाते रह गए, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। उन्होंने साइबर वर्ल्ड खड़ा कर दिया, आज वो ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, हम अपने लड़के लड़कियां नौकरी करने भेजते हैं उनके यहां पे, और हम कहते हैं कि हम तो बहुत महान देश थे पहले से। एक आधा घंटे आपसे बात करके लेक्चर देके जाने के लिए नहीं आया हूं, मैं शायद एक नई शुरुआत करने के लिए आया हूं उस देश के पैन इंडिया फैले हुए एजुकेटर्स के साथ में। सो वी हैव टू शेप अप आवर एजुकेशन कंटेंट एंड सिस्टम एंड प्रोसेसेस इन ए वे सो दैट वी कैन मेक आवरसेल्फ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट चाइल्ड। सॉरी टू से, वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड।